अस्सलाम वालेकुम क्लास। सबसे पहले आप लोगों ने ऐसे करना है कि आप लोगों ने एक फॉर्म जो है उस पर डेटा ग्रिड व्यू का कंट्रोल लगा लेना है। ये कंट्रोल कौन सा है? डेटा ग्रिड व्यू 1 इसका नाम है। और आपने इसके पीछे फॉर्म के लोड के मेथड में आपने ये लिखना है। आपने ऑब्जेक्ट बनाया पहले, कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है? कनेक्शन स्ट्रिंग का, कमांड का, ऑब्जेक्ट रीडर का और डेटा अडॉप्टर का और डेटा सेट का। फिर आपने कनेक्शन स्ट्रिंग में कनेक्शन स्ट्रिंग पास की है। कनेक्शन स्ट्रिंग आप लोगों को पता है, आप लोगों ने बस यहाँ पे जाके उस डेटाबेस का नाम लिख देना है, ठीक है? और डेटाबेस, फिर आपने कनेक्शन ओपन किया, ये कोड लिखा है और यहाँ पे आपने क्यूरी में टेबल का नाम लिखा है। और उसके बाद आप लोगों ने डेटा अडॉप्टर का ऑब्जेक्ट था उसका मेथड है डॉट फिल, उसमें डेटा सेट पास कर दिया है। और फिर जो भी डेटा है डेटा सेट्स में, आपके पास एक ही टेबल था तो आपने डेटा ग्रिड व्यू डॉट सोर्स करके उसमें वो फिल कर दिया। अब हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने डेटा बेस कहाँ पर रखनी है। ये देखें, प्रोजेक्ट का नाम है वीबी कनेक्शन, तो आप लोगों ने डेटा बेस रखनी है प्रोजेक्ट्स में जाएं, इसमें वीबी कनेक्शन में जाएं। आपने जो डेटाबेस बनाई है एमएस एक्सेस में, आपने इसके बिन के फोल्डर में डिबग में जाके डेटाबेस वो प्लेस कर देनी है, ठीक है? और फिर जब आप लोग ये कनेक्शन स्ट्रिंग लिखेंगे तो वो उधर से खुद ब खुद पिक कर लेगा। बाद में आपने इसे रन करके देखा है, ये हमने मैसेज डिस्प्ले करवाया हुआ था, उसके बाद ये देखें डेटा गेट होके आ गया। तो ऐसे आप लोगों ने करना है।